ने जो आज शेयर चुना है इसका नाम है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में हमारी खरीदारी की राय है मध्यम से लंबी अवधि के लिए। अगर अनिल जी इसका चार्ट देखा जाए तो काफी समय लगाकर स्टॉक ने एक बड़ा जबरदस्त कंसोलिडेशन दिखाया और उसका ब्रेकआउट हाल में चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, तो हमें लगता है कि जो काफी समय की जो अंडर परफॉर्मेंस है वो स्टॉक में समाप्त होते हुए नजर आ रही है। दोबारा से एक अपट्रेंड का रिजम्पशन देखने को मिल रहा है, तो मौजूदा स्तरों पर गिरावट में महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में मध्यम से लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, वर्स्ट सीम्स टू बी ओवर। नीचे में 418-425 एक अच्छा जोन है, गिरावट में स्तरों के अराउंड मिले तो खरीदारी की राय है। और यहाँ पर अभी एज ऑफ नाउ हमको टारगेट नहीं, रिव्यू के लिए 560 के अराउंड इसको रिव्यू करेंगे। देखना यह है कि 560 कितनी कितनी तेज स्पीड से जाता है, कितनी देर में जाता है और किस पैटर्न में जाता है। तो एज ऑफ नाउ खरीदारी की राय है ऑन महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, और एक बार 560 आएगा तो मार कुणाल जी अपने आप से यहाँ पे रिव्यू करके अपडेट देंगे। ओके, तो यह है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स जिस पर करनी है आपको खरीदारी। आई